हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी सॉल्व असाइनमेंट की, जिसका सब्जेक्ट कोड है MHD4। इससे पहले हम अपने चैनल पर MHD2 और 3 का सॉल्व असाइनमेंट अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने जुलाई 2021 और जनवरी 2022 में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी में एडमिशन लिया है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका वेटेज उसके सामने लिखा है। आप देख सकते हैं आपको यहां सब प्रसंग व्याख्या करनी है, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। नीचे आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th क्वेश्चन दिए गए, जिसका वेटेज उसके सामने लिखा है 10-10 मार्क्स। तो अगर आप किसी भी असाइनमेंट को बना रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें कि आपसे क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है। अब आप यहां पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम आपके लिए सॉल्यूशन इसलिए लाए हैं ताकि आप इस सॉल्यूशन की मदद से अपना हैंड रिटन असाइनमेंट बना पाएं और आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप अपना हैंड रिटन असाइनमेंट किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ आंसर दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस कोर्स को कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF को परचेज करना चाहते हैं या किसी भी हैंड रिटन हार्ड कॉपी का ऑर्डर देना चाहते हैं, ऑनलाइन सबमिशन के लिए हैंड रिटन स्कैन PDF परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप किस असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस आंसर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप इन सेंटेंस को अपने वर्डिंग्स में भी लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपका असाइनमेंट काफ़ी इफेक्टिव होगा। अपना असाइनमेंट बनाते समय ध्यान रखें कि आपका असाइनमेंट बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए और आप हो सके तो ब्लैक और बॉल पेन का ही यूज़ करें, जिससे आपका असाइनमेंट थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप सभी वीडियो पर बने रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।